हाय एवरीवन, विक्रम दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो। सुबह प्रॉफिट करके गए होगे, लेकिन 3:30 तक पूरा प्रॉफिट खत्म करके बहुत बड़े लॉस में आ जाते हो। वो सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने मिलेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबको लाइक कर दीजिए, जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सीजन। ओके, आज जो भी मैं बताऊंगा सब कोई उससे रिलेट करोगे। वो गलती आपको पता है, उसको कैसे ठीक करना, वो गलती ठीक नेक्स्ट टाइम कैसे नहीं रिपीट करना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? दो रीजन के वजह से एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, वो लॉस में ही रहता है। दो रीजन, एक है डर, फियर, और एक है ग्रीड। मतलब डर एक लालच, ठीक है? आप बोलो कैसे, मैं बताता हूँ डर का एग्जाम्पल, ठीक है? चलो मैं कल का ही मार्केट हम लोग लेते हैं, सॉरी फ्राइडे का मार्केट लेते हैं, जिस दिन हम लोग लाइव ट्रेड किए थे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हो गए, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो कल का ट्रेड, ठीक है? हम लोग एक पी ट्रेड बनाए थे इस जगह पे। रीज़न मैंने ऑलरेडी सेशन में वीडियो में बताया, देख सकते हो, ठीक है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग बस सीखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलो आपका एक पी साइड में एक पोजिशन यहाँ पर बन रहा था, ठीक है? आप पी साइड में एक पोजिशन यहाँ पर बनाए, जो लोग बनाए अच्छा प्रॉफिट किए, बहुत कोई डर जाते हो, आपको ये लगता है कि मैं एंट्री करूँ या नहीं करूँ, मैं पक्का लॉस तो नहीं हो जाएगा, एंट्री कर लूंगा तो लॉस नहीं हो जाएगा, बुरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा ना, इस डर के चलते वो एंट्री नहीं कर पाते, ठीक है? उसके बाद मार्केट मोमेंटम कर जाता है, मोमेंटम कर जाता है, वो सोचते हैं कि भाई इतना मोमेंटम हो गया, अब शायद ये कंटिन्यू रह सकता है। उसके दिमाग में क्या आता, सोचो कि कंटिन्यू रह सकता है और एक ऊपर जाएगा, वो क्या करेगा, पी अगेन बीच में, मतलब मार्केट जा रहा है वो बीच में एंट्री कर लेगा, ठीक है? वो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद क्या होगा, उसको लगा कि कोई बात नहीं, यहाँ पे एसएल लॉन्टिंग नहीं हुआ। जो लोग एसएल लॉन्टिंग के बारे में नहीं पता, गाइस आपको स्क्रीन पे देखिए आई बटन पे आ रहा होगा एसएल लॉन्टिंग सीरीज, जो बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरा डेली कट लाइव ट्रेड होता है वही सीरीज में अपलोड कर दिया हूँ, जाके जो लोग नए हो देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एसएल लॉन्टिंग नहीं हुआ, एसएल लॉन्टिंग हुआ, उनको लगा कि चलो एसएल लॉन्टिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, मैं दूसरा एसएल लॉन्टिंग पे ट्रेड ले लेता। वो क्या करेगा, यहाँ पे मिस कर चुका है, उसका लालच देखो, ऑलरेडी इतना मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, इतना अच्छा मोमेंटम कर चुका है, उसको लगेगा कि यहाँ से फिर से मार्केट स्पीड में ऊपर चला जाएगा, उसको ये फील होगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे सही बाय कर लेगा, मार्केट एंट्री करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, उसको और डर हो जाएगा, अरे भाई मैंने जहाँ पे एंट्री किया वहीं पे ही मेरा स्टॉप लॉस सेट कर गया, मेरे को डर नेक्स्ट टाइम ट्रेड करते टाइम और 50 बार सोचूंगा, नर्वस फील होगा। क्यों नर्वस फील हो रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हो कि जो ट्रेड जस्ट टाइम फर्स्ट एक्टिवेट होता है वहां पे डर के मारे आप ट्रेड नहीं बनाए, नेक्स्ट टाइम जबरदस्ती एंट्री कर रहे हो ताकि प्रॉफिट हो जाए, वो आपको लॉस दे रहा है, समझ रहे हो ना मेरे बात को? गाइस स्टॉप लॉस हिट होने दो, स्टॉप लॉस बनाए हिट होने के लिए, अगर लॉसेस नहीं होगा कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है? लॉस लेना पड़ेगा। लोगों को ना हमेशा ये लगता है कि मैं 100% सही रहूंगा, ये सबसे बड़ा गलती है। लॉस अगर नहीं देख पाओगे तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, ट्रेडिंग लॉसेस होने के लिए। आप लोग ना बहुत कोई जितने भी यूट्यूबर का फॉलो करें हमेशा आप उसका ट्रेड देखते हो कि आज मैंने 10 लाख बनाया, आज 5 लाख बनाया, उस ट्रेड देख के आप बहुत खुश हो जाते हो। गाइस प्रॉफिटेबल ट्रेड से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है, एक्चुअल नॉलेज मिलेगा आपको लॉस ट्रेड से, वो कहाँ पे गलती किया है, वो जो गलती करा नेक्स्ट टाइम उसको सुधार रहा है कि नहीं, वो सुधार जब जो सुधार रहा है वो आप सीख रहे हो कि नहीं, लॉसेस से ज़्यादा सीखने मिलता है। प्रॉफिट से तो क्या मिलेगा, हाँ मार्केट में एंट्री मैंने किया, मेरा टारगेट अचीव हुआ, अभी तो मिल गया, लॉसेस स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो मेरा माइंडसेट क्या रह रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, वहाँ से सबसे ज़्यादा सीखने मिलता है, ठीक है? ये याद रखिएगा, ठीक है? तो लॉसेस होने दो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक रैंडम जगह पर एंट्री कर लूँगा और स्टॉप लॉस रैंडम लगा दिया, मार्केट लॉस हो रहा है तो लॉस होने दो, नहीं। अगर आपका सेटअप एक्टिवेट हो रहा है, आपका स्ट्रैटेजी बोल रहा है यहाँ पर एंट्री करना है, मतलब एंट्री करना है, वो स्टॉप लॉस घूम के अगर स्टॉप लॉस हिट कर दे तो होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम जगह पे एंट्री नहीं करेंगे। पहला ट्रेड मैंने मिस कर दिया, अब जबरदस्ती दूसरा ट्रेड में घुस रहा हूँ, ऐसा नहीं। फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया तो कर दिया, खत्म बात, अब थोड़ा वेट करूंगा, मार्केट के स्टेबल होने दूंगा, मार्केट को मैं जानता हूँ, आपको ही पता है, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ चलो सी में एंट्री किया, आपको ही पता है मार्केट ऑलरेडी इतना स्ट्रेच करके ऊपर गया था, इतना स्पीड में नीचे आया, एक बार में स्पीड में नहीं जाएगा, ये आपको समझ में आ चुका है, अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, स्लो मोमेंटम जाएगा, मैंने ऑलरेडी सीखा है। तो आप लोग इस जगह पर पता है कि मैं स्लो मोमेंटम होगा, लॉस हो सकता है, लेकिन आपको मिस कर दियो, वो आपको डर बोल रहा है कि नहीं चलो भाई मिस हो गया तो फिर से ट्रेड कर ले, और वहीं पे ट्रेड करके आप फिर से ट्रेड बनाते हो, लॉस बुक करते हो, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड होता है क्या गाइस, ग्रीड, लालच। लालच सबसे बड़ा इतना खतरनाक चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा लोगों को लॉस देता है। मैं बताता हूँ लालच क्या, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो आप मान के चलो एग्जांपल इस जगह पे कहीं पे ट्रेड लियो, मार्केट कंटिन्यू जा रहा जा रहा जा रहा, बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, और आपको आसपास यहाँ पे फील हुआ कि मैं ट्रेड को स्क्वायर अप कर देता हूँ, आसपास यहाँ पे ट्रेड को आप स्क्वायर अप कर दिए, आप अपने प्रॉफिट में हो ऑलरेडी, आप मान के चलो एग्जांपल 3,000 या 30,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है? आप बहुत खुश हो, आपको लगे कि मैं 3,000 बनाया हूँ, मैं और थोड़ा प्रॉफिट कर लेता हूँ, मार्केट तो ग्रीन बन के जा रहा है, ग्रीन हो रहा है, आपको और लालच आ रहा है कि ग्रीन बन रहा, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि मार्केट में और 3-4 कैंडल बन जाए, हो सकता है, ये आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि 3-4 कैंडल बन जाए, जब ये ग्रीन कैंडल बनता है आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बनता है आप ट्रेड बनाते हो,
जहाँ पे आप ट्रेड बनाते हो, एग्जाम्पल टॉप पे आप ट्रेड एंट्री बनाते हो, क्यों आपको लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, मार्केट क्या करता है वहीं से रिवर्स हो जाता है, धड़ करके रिवर्स हो जाता है। जो भी आप प्रॉफिट बुक किए होंगे वो प्रॉफिट खत्म होकर 2000 में, एक जो 3000 किए थे 1000 में आ गया होगा, आपको इतना बुरा लग रहा होगा, उसके बाद आप ट्रेड ऐसे ही ले रहे हो कि चलो मैं एंट्री बना लूँगा, आप प्रॉफिट बुक करो। गाइस जहाँ पे अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ किए वहीं पे ट्रेड डन है। ये गलती मैंने बहुत किया है, स्टार्टिंग में बहुत गलती किया इसको, इसको बार 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 मैं यही लगता था कि मैं और थोड़ा ग्रीन बन रहा, चार पांच गिन जाएगा। आपको नहीं पता है गाइस, मार्केट आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, मार्केट कब रिवर्स होगा आपको नहीं पता, अगर जा रहा है तो जाने दो उसको। बीच में ये याद रखिए, अगर बीच में आप ट्रेड में घुस रहे हो उसका मतलब है वो टोटल ग्रैम्बलिंग है, आपको बस ऐसे ही आपको फील हो रहा है, आपको बस अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अपना सेटअप वहाँ पे नहीं है तो बीच में नहीं घुसना, यही सबसे बड़ा गलती होता है ग्रीड एंड फेयर की वजह से। और एक सबसे बड़ा गलती बताता हूँ, आप मान के चलिए आपका प्लानिंग बना, दिन का मेरा कोटा है कि मेरे को आज 5000 का लॉस लेना, प्लानिंग बना के आए हो, ठीक है। आप एग्जांपल मान के चलो फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉपलेस हिट हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में स्टॉपलेस हिट होता है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टॉपलेस हिट हो गया। सेकंड ट्रेड में आपको लग रहा है कि चलो मैंने 5000 का दिन का कोटा था कि मैं 5000 ही मार्केट में आज लॉस लूँगा, मेरा ऑलरेडी 3000 का लॉस हो चुका और बचा मेरे पास 2000 है, और 2000 में मैं ट्रेड कैसे बनाऊँगा, मैं ट्रेड लूँगा और दूसरा ट्रेड लूँगा और निकल जाऊँगा, मतलब जब स्टॉपलेस हिट होगा निकल जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे लोग गलती कैसे करते हैं, वो एंट्री कर लेंगे, वो अपना स्टॉपलेस के लिए वेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको दिमाग में है कि मेरे को सेकंड ट्रेड में लॉस नहीं लेना, वो प्रॉफिट में आना है, वो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे जस्ट यहाँ मान के चलो ग्रीन वन की जा रहा हूँ, उनको लगा कि यहाँ पे एंट्री बन सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री मत बना लेना, कोई भी सेटअप कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मान के चलो आप ग्रीन यहाँ पे बन रहा है, आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, आपका स्टॉपलेस यहाँ पे है, लेकिन आप स्टॉपलेस का वेट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर लिए, थोड़ा सा रेड हो रहा है, आप जो भी लॉस था मान के चलो 2000 का लॉस था, 3000 का लॉस था, वो थोड़ा 3500 हो रहा है, आपको लग रहा है निकल जाता हूँ, अभी निकल जाता हूँ, फिर से ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री बना लूँगा, वो 3500 के पास निकल गए, उसके बाद फिर से और एक ट्रेड 3500 हुआ है, चलो अब ग्रीन बन के जा सकता, अब ग्रीन बन के जा सकता, मैं ट्रेड बना लेता हूँ, एंट्री किए, वो क्या किया, थोड़ा ऊपर जा गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, मैं आप लोग इमेजिन कर सकते हो, राइट, तो ऊपर गया, थोड़ा सा रेड हुआ, अब 3500 की जगह 700 हो गया, शिट यार निकल जाता हूँ, एग्जिट कर लिया, वहीं से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, आपको लगा यार मिस कर दिया, अब तो जाएगा पक्का, अब थोड़ा ग्रीन बन के जा रहा, आप एंट्री बना ली, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया, फिर से लॉस बुक हो गया, क्या करूँ, फिर से एंट्री कर लिए, मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत 3-4 घंटे में ऊपर चला गया, 2000 तक प्रॉफिट आता, 3500 था, 700 था, अब क्या हो रहा है, लॉस रिकवर होके ऑलमोस्ट 2500 तक आ चुका है, अब आपको लग रहा है कि अब निकल जाना चाहिए, लॉस तो रिकवर हो चुका, 2500 में कर देता हूँ, फिर 2500 के पास निकल गए, आपको लगा चलो अब तो लॉस रिकवरी हो चुका है, अब मैं क्या प्लानिंग करूँगा, अब मैं फिर से ट्रेड ले सकता हूँ, अब प्रॉफिट हो जाएगा, और वही 2500 जहाँ पे लॉस किए होंगे वो एंड ऑफ द जाके जो भी ट्रेड लियोगे वो आके 5000 के रेड में एंड कर देता। गाइस ये मानते हो कि नहीं, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ। गाइस ये चीज़ मैं हर दिन सुनता हूँ, हर डेली बेसिस से मेरे को इंस्टाग्राम पे सेम मैसेज आता है, सर मैं ओवर ट्रेडिंग के चलते मैं बस रैंडमली गेस करके रैंडम जगह पे स्टॉपलॉस लगा के बस ग्रीन बन के जा रहा है, ऊपर ले लिया, थोड़ा रेड आया तो मैं निकल गया, उसके वजह से मेरे को लॉस हुआ है। बहुत सारे मैसेजेस डेली बेसिस मेरे को इंस्टाग्राम पे आता है, और सेम चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारा गलती किया। एंड और एक रीज़न मेरे को अभी याद है, मैं दो बताया था, 4 ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और एक रीज़न क्या है, जो बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा डेली का टारगेट पूरा करके आते हैं, डेली का टारगेट रख के आते हैं कि मेरे को आज, वो हमेशा डिस्कस भी यही करते रहते हैं, मेरे को दिन का 1000 बन जाए, दिन का 2000 बन जाए मैं बहुत खुश हो जाऊँ, दिन का 5000 बन जाए मैं बहुत खुश हो जाऊँ। गाइस ये डेली का पैसा नहीं बनाना, ये आप जॉब यहाँ पे नहीं कर रहे हो, मजदूरी नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस इन द सेंस कि मंथ एंड में मेरे को रिटर्न निकालना है, अगर मैंने 1,00,000 लगाया है मेरे को महीने के एंड में 30% निकालना, 20% निकालना, वो कॉन्सेप्ट है, लॉसेस प्रॉफिट मिला जुला के मंथ एंड में उसको रिटर्न निकालना 30% 20%। डेली का जो प्रॉफिट सेट करके आते हैं वही लोग ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, ये याद रखिए, ठीक है, आपको डेली का सेट नहीं करना। तो ये था आज का 4 रीजन, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट रीजन था डर, अगर आपको लग रहा है पैसा लॉस लेने में आपको डर लग रहा है तो स्टार्टिंग में, अगर शुरुआत स्टेज में आपको बस बड़ा कैपिटल नहीं है तो मैं एक हैक बताया था, आउट ऑफ द मनी आप लेके ले सकते हो, SLOT में अगर कर रहे हो आउट ऑफ द मनी लेके कर सकते हो, अगर वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया तो कमेंट सेक्शन बताना, मैं बता दूंगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग पूरा शुरुआत हो, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना नहीं चाहते हो तो इक्विटी से करो, बहुत लोगों को लगता है कि इक्विटी से करूंगा तो बहुत छोटा रिटर्न मिलेगा, छोटा ये मिलेगा, नहीं गाइस रिटर्न कम मिले कोई दिक्कत नहीं,
पैसे को लेके आपको आदत बन जाना चाहिए कि हाँ लॉसेस हो रहा तो देख पा रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा तो देख पा रहा हूँ। तो जब ऑप्शन में जाओगे तो लॉसेस होगा भी तो आप मैनेज कर पाओगे, मेरा बात समझ रहे हो। और जो लोग कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो आपको ये एक्सेप्ट कर देना चाहिए कि हाँ मार्केट में लॉसेस होगा तो भी मैं बियर करूंगा, प्रॉफिट होगा तो भी मैं बियर करूंगा, ये सोच के ही ट्रेड बनाना, ट्रेड बनाना पड़ेगा। सेटअप एक्टिवेट हुआ तो ट्रेड बनाना है, स्टॉप लॉस के लिए वेट करना, हिट होगा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हिट होगा तो कल प्रॉफिट करके देगा, इतना गारंटेड है अगर प्रॉपर सेटअप के हिसाब से काम कर रहे हो तो। सेकंड मैंने बताया ग्रिड, जहां पे ट्रेड स्क्वायर अप हुआ ये याद रखिए वहां पे दूसरा ट्रेड नहीं बनाना, बीच मार्केट में नहीं घुसना। बीच मार्केट में घुसना इज इक्वल टू एक गिरता हुआ चाकू के सामने हाथ रख देना, सेम है, हाथ रखोगे जैसे कटेगा वैसे ही आप एंट्री करोगे तो वैसे कटने वाला है, ठीक है। सेकंड, थर्ड मैंने बता दिया कि आप जैसे स्टॉपलेस के लिए वेट नहीं करते, ऊपर जाता तो निकल जाते हो, ऊपर जाता निकल जाते, नहीं, प्लानिंग करके आओ कि मेरे को दो ट्रेड करना, दो ट्रेड में मेरे 15 पॉइंट का स्टॉपलेस होगा, ये 25-25 पॉइंट का स्टॉपलेस होगा, 30-30 पॉइंट का स्टॉपलेस होगा, उतना ही स्टॉपलेस लूंगा, हिट करेगा, मार्केट से निकल जाऊंगा, ऐसा 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का रैंडम लगा के रेड बन रहा है निकल जाऊंगा, वो सब गैम्बलिंग में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ को इग्नोर करना। एंड फोर्थ में जो बताया, डेली का टारगेट कुछ नहीं होता, डेली का प्रॉफिट आपको सेट नहीं करना, वो मंथ एंड में प्लान करना है कि मेरे को कितना परसेंटेज का रिटर्न निकलना है, 30%, 20%, 50%, 100%, 10%, 5%, 2%, जो आपको चाहिए वो आपको प्लानिंग करना, वो कितना चाहिए, कितना रिटर्न निकलना पड़ेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ऑप्शन बाइंग से आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, ऑप्शन सेलिंग से कितना एक्सपेक्ट करते हो वो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे। अगर गाइस इसका पार्ट टू चाहिए और रीजंस है जिसके वजह से आप लॉस करते हो, अगर पार्ट टू चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तो और एक वीडियो इसके ऊपर ला दूंगा, ठीक है। चलो ये वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।